नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं, ये बाखूबी आप जानते हैं। ये क्यों सीएम बने हैं ये भी आप जानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा हुआ, यानी पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का। लेकिन क्या आपको पता है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने जो कहा है कि कैप्टन अमरिंदर को क्यों हटाया गया, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि चरणजीत सिंह चन्नी को किसने कहा था सीएम बनने के लिए। क्या वो राहुल गांधी हैं, क्या वो प्रियंका गांधी है, या फिर क्या वो सोनिया गांधी हैं जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, ये जानना आपके लिए बेहद रोचक भी होगा। तो आइए सबसे पहले ये बताते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर जो इस्तीफा दिया गया है वो एक मजबूरी के तहत इस्तीफा दिया गया। ये कौन सी मजबूरी है? ये वही मजबूरी है कि कैप्टन अमरिंदर से तमाम आलाकमान परेशान हो गए थे। चरणजीत सिंह चन्नी ऐसा कह रहे हैं। वो जिस तरह से अपने काम काज को कर रहे थे, अपनी रणनीतियां बना रहे थे, उससे आलाकमान परेशान हो गए थे। यही वजह है परेशान होकर कहीं ना कहीं उन्हें हटाया गया। और एक दो दिन में ये चीज़ नहीं हुई, ये बहुत पहले ही हो रहा था। और राहुल गांधी ने फ़ोन कर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनने के लिए कहा है। ये चरणजीत सिंह चन्नी ने साफ शब्दों में कहा है। कैप्टन अमरिंदर को सुना जाए, नवजोत सिंधु को सुना जाए, आलाकमान को सुना जाए तो खबरें कुछ और ही आती हैं, स्टोरी कुछ और ही पता चलता है। लेकिन जब चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं तो कुछ और पता चलता है। यानी जो खिचड़ी पक रही थी, जो पकाई जा रही थी, हकीकत क्या है ये जानना लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो ड्रामा हो रहा है उससे कांग्रेस का फायदा ही हो रहा है। ये भी कांग्रेस के कई मंत्री कह रहे हैं कि पंजाब में जो भी कुछ हो रहा है उससे कांग्रेस का फायदा ही। अब देखते हैं कि उसके इस चुनौती पे, चैलेंज पे, वो तो चुनाव होंगे जब पंजाब में, तभी पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। और सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस को वाकई में कितना फायदा होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।